देखो भाई 500 रुपए वाली विषय है ये, जुम्मे के दिन 8 बजे तक के पैसे आने होना, नहीं तो 50 रुपए दंड। और जिसका नंबर दूर गया वो सोचे कि मैं नंबर निकाल लूं तो समझ लो पैसे डूब गए। बोलते ही हराम खाने में तू लगा ये तो। मेरा नंबर निकल जाए बस पहला। चलो खोलो नंबर, खोलो चलो। बिस्मिल्लाह, मेरा तो कलेजा मुंह में आने लगा है। पहला नंबर मेरा, सुपड़े मेरा पोतरा, पहला नंबर रे। मैं मानूंगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं मानूंगा। देखो भैया हूँ, लिख भी रहा खुद, डाल भी रहा खुद, हला रहा भी खुद, उठा रहा भी खुद। चिद भी तेरी, पट भी तेरी। हाँ, ये कौन सा नया बात है? डंगरे नंबर नहीं उठाते भी से के मासूम को बुलावे खादी मासूम को। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, इधर आ। ये है मेरा नवासा, इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। हाँ शाबाश मेरा बच्चा, बैठ बेटा। हाँ लगाया वहाँ पहला मेरा, इतना कैसा खुश हो रहा। देख बेटा ये जो है ना बादली, ऐसा मजे का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर अन चिट्ठी फेंक, अन पहला नंबर ही काढ़ी हो रहा मेरा बच्चा। हाँ फिर मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा ना बेटा। हाँ कर बेटा। अरे मेरा बच्चा, देख रहे है बुरी गत के, पहला नंबर आया मेरा देख। ऐसा अच्छा नहीं दादा, मेरे पे भरोसा नहीं। चले कादर दादा, सब कुछ चाय पिला, नंबर खुल गया तो। शाबाश, यही चाय पिला पिला के मेरी बिस्सी बरोबर कर दे तू। हाँ कैसा तेरा पेट दुख रहा रे, चल ला पैसे ला, रात पेट का टाइम है, चोर भांटे अलग फिरते रहते, ला भाई जल्दी ला चल मेरा नवासा। ए ले दादा पूरे 25,000, टेमो टाइम बिस्सी आने हो ना, चार से भी गया तू तो। पहली बिस्सी नहीं है मेरी, कायदे मत बताओ मेरे को तू। बिस्सा लगा लगा के ना, ये देख बाल सफेद हो गए मेरे, बातें करेगा तू। है लाइन नहीं हो रही अपनी, कोई नहीं आ रहा है यार। अरे हो जाएंगी लाइन, देखिए बात रहा आज। ओ जीजा, ओ रुको ना, कहाँ जा रहे? घर को जा रहे क्या? नहीं पटांगन में जा रहा। अरे इधर तो आओ। क्यों रे, लड़ेगा क्या तू? हाँ बेटा उठा के पटक ही दूंगा। हाँ तुमसे दो बात करने का है। कितना झूठा है रे तू। हाँ अभी तक तो गंज 50-60 बात कर लिया, बचर बचर कर रहा कब से, क्या है बोल? घर को बचाने गया रमजान दादा का बोरे में, तो मैं क्या करूं? हाँ नाचू क्या रे? इसका कौन है, क्या है, कौन है रे तुम, क्या काम क्या है रे तुम्हारा? हाँ वो मैं क्या है ना, असल में वो मैं ना मामा क्या कर रहा रे, बकरी का बच्चा है क्या रे तू? नाम नहीं है क्या रे तेरा? हाँ अरे तो क्या तेरे बाप के अनगिनत बच्चे थे क्या रे, नाम नहीं रखा क्या तेरे बाप ने? हाथ हटा, हाथ हटा, मेरी बात तो सुनो। अरे तो सुन रहा ना, बैरन ही है मैं, डोचर नहीं पड़ गया मेरे कान में। ओ जीजा लाइन से बात करो, मैं समझा दे रहा तुमको, समझा दे रहा। तू मेरे को समझाएगा? हाँ तू क्या समझाएगा रे मेरे को, तू तो मेरे को मुंह से पागल दिख रहा, नींद पूरी नहीं हुई तेरी, जा सो घर को। चीचा जरा ठंडे दिमाग से काम लो, नहीं तो देखो फिर है। मैं तो क्या करेंगे रे तुम, नहीं तो बचा बच, बचा बच, चीचा मारेंगे रे मेरे को। हाँ बेटा हालत देख तेरी, हाँ डंड पे कौवा बैठेगा तो हड्डी टच करके हो जाएंगी। हाँ तो बाप तेरा चल रहा क्या, मारेंगे? हाँ बाप दादा का नाम मत ले बेटा, न तो मार मार के नीला कर दूंगा। हाँ लड़ाई कर रहे क्या घर पोता रे, बोले नीला पीला कर दूंगा बोले। हाँ चीचा लाइन से रहो, अगर हमको गुस्सा आता ना आपे में नहीं रहते। क्यों रे, चापते फिरते कह रहे तुम दोनों? हाँ चला ठरक रहे, चला।
जलाल तो आई बाला को टाल तो क्या होगा रे बाप, यही तो ना खत्म है ने। अरे बाप यहाँ भी नहीं है रे बाप, कबाट में। अरे बाप यहाँ भी नहीं है रे, तुम्हारे बोले वो झाड़ू फेर के चले गए रे बाप 25,000 पे। अरे बाबा बाप, तोबा तोबा, मैंने क्या करना, जहर खा लूंगा मैं। अरे सुन रही क्या हुआ सुनाट, अरे पूरी 25,000 की बिस्सी में पानी फेर दिया रे बाप। अरे बाप, अरे क्या हुआ, अरे झाड़ू फिर गई वो, झाड़ू फिर गई रे बाप। आंगन में ही मार लो ना फिर। अरे बाप मेरे को जहर दे दो रे। अरे एड़ी बिस्सी पे झाड़ू फिर गई कि ने पूरे बिस्सी चुरा लिया ना वो। अरे बाप बोले है, ये भी बेहोश हो गई, अब मैंने किधर जाना रे बाप। रे 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 रे। चाची चाची क्या होगा तेरी चाची को, अभी तो गई थी बाहर अच्छी। चाची अरे क्या होगा तेरी चाची को, मेरे को चक्कर आ रहे, क्या होगा। चाची का आए दिख नहीं रे। तेरी की, अरे बनकर तेरी घुनगुन रो रहा क्यों, इतना का तेरी औरत भाग गई करे। वो तो कल ही भाग गई, पर तुम्हारे वहां की चोरी का सुन के मेरे को इतना सदमा हुआ चीचा कि तुमको क्या बताऊं। उतने टाइम से मेरे आंखों में से ऐसे आंसू बह रहे, ऐसे आंसू बह रहे क्या बस। शाबाश, इतने आंसू बह रहे हैं क्या, आसपास के लोग भय गए क्या रे। नहीं, सारे लोग मेरे को देखने लग गए, मेरे को बहुत सदमा हुआ, तुम्हारी बिच्छी का मेरे को बहुत सदमा हुआ चीचा। एक बात बता, ना तू कोई मेरा लगता भी लगता, ना तू कोई मेरा रिश्तेदार है लगट का, और तेको मेरे वहां की चोरी का और मेरे नुकसान का इतना सदमा हुआ क्यों रे। क्योंकि मैं तुमसे उधार लेने वाला था, मगर उधार की तो बात दूर, तुमसे तो चाय पानी की भी तमन्ना नहीं है, जा रहा मैं। साला लोग भी क्या सड़ लगेगा तो रंग बदलते हैं। साला हमदर्दी तो है ही नहीं किसको, जो आ रहा अपने फायदे की सोच रहा, जो आ रहा अपने फायदे की सोच रहा है। ओ भाई, ओ भाई, अरे ओ भाई सुन रखिया क्या है। तेरे को कादर दादा दिखे कह रहे हैं, साला उनको तो पैसे दे के फंस गया मैं हैं, वो तो ऐसे गायब हुए जैसे दूध में से मलाई, देखा था क्या तूने उनको। अरे तो क्या मैं उनको किसे में रख के घूम रहा क्या उनको। ए सीधे मुंह से बात कर रहे डांड के हैं, थोड़े बहुत डंड बना लिया तो होशियारी की बातें करने लग गया तू, बहुत होशियार बन रहा क्या तू हैं। अरे ओ तुम सीधे बात करो हा? नहीं तो हाथ उठ जाएगा मेरा। अरे बेटा तुझे अगर एक धोबी पछाड़ दिया ना तो तेरी कमर कौड़ कौड़ करके रह जाएंगी वहीं पर। अरे दादा तुम सीधे बात करो ना फिर तुम। अरे तो तेरे से अच्छा पूछ रहा था ना रे कि कादर का है, है? जबरदस्ती थे वो मिर्चा लग रहे। अरे अब भी घर पे जाते देखा मैंने उनको। आप कैसे बताया तूने, चल अपना काम कर। क्या हो हाँ? बहुत आराम से सो रहे तुम, क्या हो, आओ क्या कह रहे, आओ बैठो। पैसे दो, काढ़ो मेरे पैसे, टेन नहीं है बिल्कुल मेरे पास ना, पैसे दो। अरे तो इतना क्या तुम्हारा दम निकल रहा हाँ? अरे तुमको मालूम नहीं हाँ? मेरे माँ क्या हुआ, अरे मैं किसको मुंह दिखाने के लायक कनी रहे रे बाप। वैसे भी तुम्हारा मुंह का देखने के लायक है,
ये मुंह है एकदम खबीर नारियल दिखते तुम। अरे ओ भाई मैं तेरे मुंह की बात नहीं कर रहा, मेरे मुंह की बात कर रहा मालूम। चुप बैठो तुम, फालतू बातें बाद में करना, पहले मेरे पैसे काढ़ो, पैसे काढ़ो तुम मेरे। अरे बाप, ये तो जरा नहीं मान रहा। अरे हाँ, वो तुम्हारा पोरा मेरे पास आया था, कह मेरे बाबा ने पैसे मंगाए। बोले मन का क्यों रे, तो कह उनको फकीरों को बोले खाना खिलाने का है, मैंने दे दिया। अरे बाप रे, मैं क्या फकीरों को खिलाऊंगा क्या, मैं तो खुद एक रोटी एक हफ्ता चलाता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या पैसों के चक्कर में तुम नहीं खाते घर को, मंडवे ढूंढते फिरते साध्या के। मैंने तो यहाँ तक सुना होटला पे कह जब्बार पटेल इतना कंजूस है, कह क्या बोले औरत को बोले बोलता कि यहीं खड़े रहे मोरी के बाहर, और बोले आपस नाता अन कहता जो फेस निकल रहा ना उससे मेरे कपड़े धो, क्या कहना तुमको। बात मेरे समझ में नहीं आ रही, उसने मंगा अन तुमने दे दिए, इतना अच्छा चल रहा तुम्हारा। मैं क्या करता भाई, उन्हें जल्दी जल्दी में आया मांगा और मैंने घबराहट में दे दिया। क्या मैं तुमको जल्दी जल्दी बोलो कुएं में कूद जा तो तुम घबराहट के कूद जाएंगे क्या। अब इतनी भी घबराहट नहीं है मेरे को। ओ भाई, अरे मेरे वहाँ चोरी हो गई, मैं संताप में है साला, मैं क्या करूँ। मेरे पास जैसी पैसे आएंगे ना भाई, सबसे पहले तेरे पैसे ला के दूंगा मेरे बाप, तू जा तो जरा सा मुझे कुछ सोचन दे। अरे ओ, तुम्हारे बाल सफेद है ना इसलिए लिहाज कर रहा तुम्हारा, एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो तुम्हारी पीठ नीली पीली कर दूंगा मैं, यारा मैं। नीली करेगा रक्कस। उमर लेना वो संताप में संडासा चालू हो गया रे बाप। क्या हो, क्या हुआ? अरे मैं लुट गया। अरे तो क्या हुआ? अरे मैं लुट गया। एक मिनट रुक, मैं अभी आऊंगा। अब बताओ क्या हुआ? अरे देखो भाई, हुआ अन मेरे को पोरे हुआ। अरे नी चोरी हुई मेरे वहां। अरे क्या मजाक कर रहे है, बोले चोरी हुई। चल जा, सालों से नहीं मजाक करता मैं, तो क्या तेरे से करूंगा क्या रे। मजाक तो साला मेरे से किस्मत ने करी ना रे। जब मैंने दिस्सी डाला 52वां 50वां 51वां, अन चोरी होने वाली थी तो पहला भूल गए झट से। अरे तो गए कितने? अरे 25 ये गए, 30 एक के रखेल थे, एक ने उसकी रकम भी रखने दिया था। अरे सब पे झाड़ू फिर गई। अरे तुम तो लोगों का आटा लेकर वापस नहीं करते तो पैसे कौन दे रहा तुमको रखने में? अरे एक बाप का बेटा हो ना बेटा, तुम यहीं पे रुकना चाहिए मन। क्या गया? मैंने लोगों का आटा खाया, तेरा मैंने कितना खा लिया रे बेटा। चल जा, मैं तो सारी झल तेरे पे काट लूंगा बेटा, पुलिसों को तेरा नाम बता दूंगा बेटा, समझ लियो तू। हाँ साला, सारी मुसीबत मेरे पे ही आती साला। अरे सदका काढ़ा करो, मैंने तो कहा था तुमको रोज का कम से कम 100 रुपया सदका काढ़ा करो। अरे चल निकल, तेरे पैरों तो मैंने फकीरों से मार खाया रे। बाप रे, मैंने एक फकीर को दिया 100 रुपया, तो वो क्या बोल रहा, कह रहे ए, मेरे से बड़े फकीर, ये लेकर 10 रुपए, जब भी तेको जरूरत होगी ना मैं यही रहता कर, मन के जरा तमीज से बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हो, बोले 100 रुपये देकर के मेरी बेइज्जती कर रहा बोले। अरे बाप, सारे फकीर गोला हो गए वहां पे मालूम। अचानक एक बेचारा सूट बूट में आया, मन का देख भाई इनको समझा जरा सा, तो कह रहा गुच्चू बैठे, मैं ये फकीरों का वकील है कह, तेरे ऊपर केस करूंगा बोले। जैसा वैसा करके भागा मैं वहां से मालूम क्या। अब तू भी जा, तेरा काम गिन दे।
तू गया नहीं कह रहे हाँ? बड़ी मजा मिल रही ते को है ना। अरे मैं तो ये कहने को रुक गया था कि अच्छा हुआ तुम्हारे बर्तन गिरतन नहीं गए, वो चोर बहुत घबराहट में भागे होंगे। काय की घबराहट रे, साले छिच हो रहे थे सालों ने जाते जाते मजाक करके गए मेरे से मालूम हाँ? अरे चोरी करे तो करे, घर से ताला मार के गए और मेरे चूल्हे में उल्टे कर दिए। तू जाना रे तेरे तेरे घर को जाना शैतानी पुतले। ओ चाबी चाबी, ओ चाबी चाबी, ओ चाबी चाबी, ओ चाबी खिलान चाबी। सुना क्या बात है? ओ साहब तुम दो हफ्ते से पैसा नहीं दे रहे। पैसे? अरे पैसे ऐसे ऐसे आए थे गड्ढे चल के अन क्या रे तूने क्या मेरे को रखने दिया था के रे? ओ साहब हम भुगत नहीं मांगता है, रात रात भर जागली करता उसका पैसा मांगता है। जागली करता हाँ? पहरा देता बेटा चल जा यहाँ से ना तो खूंदल डालूंगा बेटा तेको। हाँ ओ साहब हम भुगत नहीं मांगता है, हम हमारा ड्यूटी का पैसा मांगता है। ड्यूटी? अरे काय की ड्यूटी चपटे बदने, मेरे वहां पे चोरी हो गई, तू कहां था रे रात को? क्या झूठ बोलता है साहब, हम रात भर इधर ही था। तो फिर तू चोरों का पार्टनर होगा, तूने सारी आइडिया दिया होगा बेटा उनको। सच्ची बताओ वो कौन थे? क्या झूठ बोलता है साहब, हम जाते हैं। मालूम पड़ा क्या उनके वहाँ चोरी हुई, पूरे गांव पे इल्जाम रख रहे वो। अरे ऐसा क्या हो क्या आ रहा? आन दे उसको, देखता उसको आड़े हाथ लेता अभी मैं। रुको कादर दादा, रुको तो जरा। क्या बात है रिकामी पंगत बठी, क्या क्या बोल रहे? बोलो जल्दी से बोलो रे बाप, मेरे पेट में जैसा घुड़गुड़ घुड़गुड़ ऐसा लग रहा जैसा खाली रिक्शा भाग रही मेरे पेट में। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो धोना भी तुमको ही पड़ेगा बेटा, क्या कह रहे जल्दी को? क्या हो? हाँ है, अरे चोरी तुम्हारे वहाँ हुई और तुम पूरे गांव वालों के ऊपर इल्जाम रख रहे क्या? ऐसा अच्छा है क्या भला है? सही कह रहा मैं, पागल कुत्ता ने नहीं काटा मेरे को। ये जो मेरे वहाँ पे इतना बड़ा प्रकार हुआ ना चोरी का, इसका जिम्मेदार ये पूरा मोहल्ला है, पूरा गाँव है जिम्मेदार इसका मालूम। कैसी क्या हो, कैसी क्या है? गली मोहल्ले वालों ने क्या बेच के खाया हो तुम्हारा? ऐसा अच्छा नहीं है अपन, ये क्या ऐसा अच्छा नहीं है? बेचकर नहीं खाए मालूम, ये गांव वालों की मेरे को हाय हुई नड़ी ते को मालूम। तू क्या बोल रहा है अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है? हाँ तू का अच्छा है बुरी गात के मुझे करम दे, ये गांव की हाय हुई मेरे को नड़ी मालूम। हाँ है कैसे क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तेरा क्यों इतना दम निकल रहा है? क्या इतनी घाई पड़ी रे आ? अरे ये गांव वाले इतनी सीखा इतना बड़ा करते, एक बार गांव में जरा सी चोरी हुई आ? सारे गांव में चौ चौ कर दिए, जा मिल रहे। होशियार सोना होशियार सोना आ? एक दिन की बात है आ? पूरे गांव में पावर चल गई। अरे मेरे बाप, मैं पड़ा रात को टका टका आ क्या फाड़ते पड़ा मैं, अचानक मुझे खड़खड़ की आवाज आई। मन का आया देख रहा तो कोई तो भी दिखा मेरे को, मन का साला ये चोर है तो मुझे बर्तन समेटे दिख रहा। अब मैं पड़ा साला दबी मार के, क्या साला कुछ कहूंगा तो साला चक्कू किक्कू ना मार दे। अब फिर क्या हुआ, अब जब मैंने गौर से देखा तो साला कपड़े समेट रहा था वो। हाँ मैंने सोचा क्या साला चिल्लाऊ क्या, मगर गांव वालों ने इतना डरा दिए थे मेरे को, मैं देखते पड़ा उसको। मन का साला मैंने चिल्लाना और मुझे चक्कू मार देना उन्हें हाँ? मैं पड़ा दबक मार के। हाँ है एकदम गुच्छू पड़े थे क्या हो तुम? नहीं गाने गा रहा था मैं, आवाज भी नहीं निकल रही थी मेरी।
मालूम ऐसा अच्छा नहीं है अपन, ऐसा अच्छा नहीं है। तू जरा लाइन से रह रहे, बचर बचर कर रहा बीच में, बेटा मारूंगा डंडा फिर। हाँ तो मैंने देखा क्या, चोर ने कपड़े समेटा अन निकला मेरे बाजू से। सुबह मैंने पूरे गांव को जमा करा, मन का मेरे वहां पे चोर आया था, मेरे सारे कपड़े चुरा के लेके गया। तो वहां पे मेरी औरत ने कह दी, बोले नहीं जी मैं ठीक है। रात को पूरा गांव खिदी खिदी हंस रहा, जब से सालों ने मेरी चीड़ डाल दी है। चीचा चोर आया, चीचा चोर आया, चलो मैंने जब से जागना छोड़ दिया अन ये प्रकार बढ़ गया इतना। हाँ कैसा कहा तुमने है? अरे होने वाली बात होके रहती, अगर देखो तुम्हारी गर्दन कट के अलग गिरने वाली होंगी तो गिर के रहेंगी कितना ही बचो। होने वाली बात होती दादा, हम कभी तुमको सांप डसने वाला होगा तो कितना ही बचो डसेगा वो। हमने क्या किस्मत में जो लिखेल रहता ना दादा वही होता, जान दो। अरे सिलगेल सूरत के, सारे बुरे बात मेरे साथ होंगे। अरे ऐसा क्यों नहीं कहता कि तेरी जवान कट के अगर गिरने वाली होंगी ना तो ऐब गैब से तेरे मुंह में कैंची गिर जाएंगी। एक तो साला मेरे 50,000 चल गए, मेरे को साला उसका अलग गम है और तुम अलग दिमाग खराब कर रहे मेरा। अच्छा नहीं है पन, ऐसा अच्छा नहीं है, समझा रहे? अरे मगर बिस्सी तो 25,000 की थी। अरे तो 25,000 मेरे पास भी थे, मैं क्या बिस्सी के भरोसे पैदा हुआ था? करे मेरा दिमाग छैनिया न तो मेरे हाथ से आड़ा तिरछा कुछ भी हो जाएगा। ऐसा वैसा मत समझ, मैं को बटे बटे खरीद लूंगा बेटा तेरे को, तू क्या समझ रहा है? अरे ऐसे ही बहुत परेशानी चल रही दादा है, 4-5 हज़ार रुपए दे देना जो तुमको देने के होंगे। राहुल अरे तेरे कोई 400 नहीं देगा। अच्छा ये बताओ घर क्या क्या गया हो? क्या जाएगा, अरे तेरी चच्ची के सोने के कंगन भी चल गए। मारे मगर मैंने तो कभी चच्ची को सोने कंगन पहनते देखा नहीं ना हो। अच्छा नहीं है पन, ऐसा अच्छा नहीं है। जिद्दे लहरे तू, देखेंगे जब ही यकीन करेंगे क्या? अरे आदमी हलाल की कमाता ना उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। क्या बात करेंगे तुम, क्या हराम खाया मैंने? मैंने क्या तेरे बाप के नाच की कमाई खाया? मैं क्या तेरे घर में जुए सट्टे के अड्डे चला रहा? क्या मैंने धोखे से तेरे खालू को बेच डाला था? चीचा और अगर मिल गए ना ऐसे सजा देना उनको कि दोबारा करे नहीं वो। अरे सजा, अरे खाली मिल जान दे उनको बेटा, उनके बोटे करके कौवों को नहीं खिलाया और कौवे भी साले उल्टे करके बोलेंगे थू थू क्या हराम खिलाया। चलो पीछे चलते फिर मैं। अरे बैठना थोड़ा सा तो बैठ। नहीं हो काम है मेरे को। शाबाश तेरी हमदर्दी आए। अच्छा नहीं है चीचा, ऐसा अच्छा नहीं है पन। तो तेरे बाप की उम्र का है, मजाक का नहीं है मैं तेरा। मेरे से हड्डी हराम पना करना मत, मैं तो बेटा देख रहा ना मार मार के तेरे हड्डियां तोड़ डालूंगा। सिल गेल सूरत के, मजाक कर रहा क्या? दादा कभी भी सीने लगूंगा रे मैं, देने वाले भी परेशान कर रहे हैं लेने वाले भी। तू इसे सही आदमी मिला मुझे, चल ला बिस्सी रख। एक बात ये सुनू का बिस्सी दे, देख ये देने लेने वाले बैठे हुए, चल बिस्सी का। अरे भाई तेको मैं क्या बताऊं, मेरे वहाँ कितना बड़ा प्रकार होगा। अरे मेरे वहाँ पे चोरी होगी भाई, मैं तो किसको मुंह दिखाने के लायक का नहीं रहे। अरे बाप चोरे मत बता दादा, तू चोरे कर बिस्सी दे, देने लेने वाले बैठे ले। ऐसा काम चलता क्या? बिस्सी दे भाई बिस्सी। शाबाश कहना तेरा जिगर है, मेरे वहाँ पे इतना बड़ा तमाशा होगा और फिर भी तू बिस्सी मांग रहा। वाह भाई वाह, तेरे वहाँ हुआ होगा तमाशा। ये हफ्ते में जिसका नंबर उसको बिस्सी नहीं मिली तो वो मेरे घर पे करेगा दादा तमाशा। अरे बाप सारी दुनिया ने मुंह फेर ली रे बाप, मेरे से जरा भी किसको मुरव्वत नहीं है रे बाप। जैसी बिस्सी मेरे हाथ में आ गई ना वैसी मुरव्वत भी आ जाएगी मेरे पास, चल बिस्सी ला। ऐसा हमारे नंबर के टाइम तो तूने बड़े औथारे बताया। मैंने जा आया बिस्सी लेने का, वो तो बिस्सी लेके आ रहा था वहीं पे लखवा लग गया। उल्टा तूने मेरे से चंदा लिए ले मालूम क्या? कुछ भी हो जाए खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं रे दादा मैं। मैं कहा तेको खाली हाथ भेज रहा, वो मेरे बीड़े के टुकड़े पड़े है ना वो लेके जा समट के और फेंक दे बाहर। मजाक मत करो, मैं तो दूसरों को देने का है कि मैं जहर खा लूं। आहा
अरे तो ऐसा कैसा बेसबरा है रे वो, उसको बोल जरा सा रुक जा थोड़ा सा। अरे वो तो इतना नीच है, उन्हें उसके सारे कर्जे वालों को मेरे घर का पता बता दिया। बीसी दे, ये जो बैठे ले ना, ये उसके कर्जेदार है, ये मेरे भाई भैया नहीं है। बीसी दे दादा, तू पैसे बीसी दो, पैसे दो, पैसे पैसे दो, दो पैसे दो, पैसे दो। देख रहे भाई, देख रहा ना तू? अरे मैं सब देख रहा, मगर तू कितना दय्यर कलीजे करे, हाँ सारी गर्दी मेरे घर को ला लिया तूने, है ना? जा रात को आराम है तेरे पास, बिस्सी लगाए ले तूने बिस्सी, हाँ गिरवी नहीं रखे ले मेरे को, हाँ इतना तमाशा लेके आया तू मेरे घर को, हाँ पंचायत भरा रहा तू यहाँ, जा शाम को ला दूंगा तेरी बिस्सी, अंगार के पुतले ऐसी नहीं चलाते बिस्सिया, जिगर लगता बेटा जिगर। हाँ शाम को बिस्सी नहीं मिली ना तो इससे बड़ा तमाशा करूंगा मैं, चलो रे। देखो मेरे बच्चों, तुम मेरे बेटे जैसे, एक मेरा काम करो, पूरे गांव में जिन्हें भी नवे कपड़े पहनते दिखा, नवी चप्पल दिखी के उसकी गलची पकड़ के मेरे पास लाओ बस, हाँ इतना मेरा काम करो, मैं सिर्फ मेरे हाथ में आए वो, फिर देखो साले का क्या करता मैं, हाँ बस मेरा इतना काम कर दो, समझे ना बेटा? तेरे भी कपड़े मेरे को नवे दिख रहे, हाँ नहीं तेरे ऊपर तो भरोसा है रे मेरे को, अपना बच्चा है तू तो। अजी दादा, क्या जी दादा, क्या जी दादा, तुम तो सही सलामत है ना? नहीं ये गर्दी मेरे तीजे की है, खारी क्या चने? और बेटा यहाँ पे मेरे पास पंगत जमा के बैठने से चोर नहीं मिलेगा, जा जरा सा ढूंढो उसको। एक तो साला मेरा इतना बड़ा नुकसान होगा, चोरी हो गई मेरे वहाँ, और लोग भी अलग जान जला रहे कि साला उन पे ही शक आ रहा मेरे को। अजी दादा, जैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे आखिर चोरी का सुने वैसी दम तो नहीं निकलगा उसका? नहीं जी दादा, वैसी वो जोर जोर खांसने लग गए। मैंने पूछी क्यों हंस रहे जी, तो बोले दादा ने कर्जे वाले को धोखा देने का तो ढोंग कराऊंगा। ऐसा कल रात को कहा था वो, आंधे पुलिसों को उसका ही नाम बताता। नहीं जी दादा, मैं तो मजाक कर रही। ऐसा तू क्या मंगनी में आई क्या शादी में आई, वो मजाक कर रही? वारो वा। नहीं जी दादा, चोरी होने से तुम्हारा जीव चाट हो गंगा, मन कही मजाक करके दादा का जी बहलो। ऐसा जी बहलाने आई तू? अरे तो एक हाथ झुंझुना भी लेके आती। नहीं जी दादा, तुम तो कुछ भी बाता करते, मैंने सुनी कि चोर कपड़े भी पहन के नहीं आते। अरे तो फिर क्या पत्ते भान के आते क्या? पहले कहती बकरिया पाल लेता, जाते साले यहाँ से नंगे। दादा मेरा मतलब ऐसा, वो जो चोर आते ना पूरे काले नकाब में आते, अन उनका मुंह तक नहीं दिखता, अन उनके पास क्या रहता मालूम? तुम सुनकर भिमका जाएंगे, अन पलंग के नीचे घुस जाऊंगा। अरे इतना डरपोक समझी क्या मैं को तूने? खाली मेरी आंखी खुल जाती ना तो हाथ पांव तोड़ के उनके गट्ठा बना के उनके सिर पे दे देता। जी दादा डिंगा मत मारो। चल जाने तो लात मार दूंगा। जी दादा, मैंने जैसे तुम्हारे घर की चोरी का सुनी वैसे मेरे को तो थरका घुस गया, मन का गए दादा। तुमको क्या मालूम दादा, वो चोर चोरी तो चोरी करते और मार भी डालते, तुम तो बच गए, नहीं तो तुम्हारी धड़ किधर तो गर्दन किधर पड़ेल रहती। ऐसा ये देख रही मेरे हाथ में क्या है, झाड़ू। ऐसा बुरा मारना चालू करूंगा तेरे सिर पे एक भी बाल नहीं रहेगा। अजी दादा, मेरे को तो पहले से मालूम था कि तुम्हारे यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है गड़े। तेरा अंडा कहा था कल रात को, हाँ तुझे कैसी क्या ऐप गैप से मालूम पड़गा? तुम तो कुछ भी बात करते दादा, मेरे को तो ख्वाब में मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसा चोरों ने क्या तेरे को ख्वाब में आके बताया थे क्या वो? जी दादा, मैंने ऐसा ख्वाब देखी तुम नोटा फाड़ते जा रहे, जब ही मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ होने वाला है और दादा की मस्ती जिरने वाली है। ऐसा तेरे ख्वाब देखने से ऐसा हुआ? अरे मेरे को अगर पहले मालूम रहता ना तो मैं तेरे आंखें निकाल लेता। साला क्या करना, कौन बताएगा? नहीं जी दादा, मैं आइडिया बताती तुमको। ऐसा
तू भी आइडिया बताती फिर बहुत तेज दिमाग है मेरा। अरे तो तेरे दूल्हे के भी दिमाग पे जरा धार लगा। तुम तो कुछ भी रिकाम में बात करते दादा। ऐसा करो ना, पिछली गली में एक मौलाना रहता, तुम उसके पास जाओ, वो ऐसा तावीज देता कि चोर तो तुम्हारे पैसे तो रख के जाएगा और साथ में उसके बर्तन भी रख के चल जाएंगे। ऐसा क्या लेते वो मौलाना? लेते कुछ भी नहीं, बस शेर का नाखून और शेर की चर्बी मंगाते वो। तेरे से जिंदा भी नहीं देखे जा रहा क्या मैं? अजी दादा, एक और मौलाना है, वो तो ऐसी तावीज देता कि चोर के पेट में ऐसा दर्द उठेगा कि बस। ऐसा दर्द उठेगा पेट में, वो फिरेगा डॉक्टर डॉक्टर के पास, हम सारी बिस्सी खलास कर देगा। क्या रिकाम में बात कर रही तू? जान दो दादा, एक ना कजली लगाने वाला रहता, तुम उसके पास चल जाओ, वो जब भी बता देगा तुमको चोर का पता। मगर वो रहता का? वो यहाँ से बहुत दूर रहता, बहुत दूर रहता, बहुत ही दूर। कहाँ? अमेरिका में क्या जापान में? अरे जान पे आ रही होंगी ना तो मत जा, मैं चल जाऊंगा। मैं चल जाती दादा, पर मेरे दोनों पाँव ऐसे दुख रहे ना कि क्या करना इनका क्या नहीं, ऐसा हो जाए ले। काट के फेंक दे फिर, अन खटिए के पहिए फिट कर ले। अंदरालो सब अंदरालो, मेरे को खाली मेरे को चोर का नाम मालूम पड़ जाए फिर देख 20 साल ऐसी सही साला। क्या बात करेंगे दादा तुम, इतनी क्या बच्ची क्या तुम्हारी उम्र, जिएंगे तो जिएंगे 2-3 साल। क्यों अल्लाह मियाँ से पूछ के आई क्या तूने? जाना तेरा दूल्हा बैठा होगा ना प्यासा, उठ। चलो मैं जाता अब और मैं लाता कजली वाले को। क्या हुआ है मासूम? अरे चोरी हो गई ना बाबा, सारी का फेरा फिरा के चल गए नीचों ने। हाँ, जमाना बहुत खराब है, मेरा लड़का भी इसी आदत में मुब्तिला हो गया था। वो कहा था कल वो रहेगा तो तुमने कब सही सही बताना। क्या कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कह रहा मैं, कौन है बताओ चोर कौन है? हाँ ये तो मैं यूं बता दूंगा। अरे तो हाँ बताओ चोर कौन है, इसके वास्ते तो मैंने तुमको बुलाया, नहीं तो रिश्तेदार नहीं लगते तुम मेरे लगट के। पहले गिलास ठंडा पानी पिलाओ, हमें प्यास लग रही है। ओ माँ वो तो बताया भी नहीं, जब से पानी मांग लिया और क्या क्या मांगेगा बाप रे, क्या मालूम तो बड़ा आईपी है सामने गिलास लो बाबा। तो उसके लिए एक बच्चा लगेगा। चोर बता रहे क्या धन निकाल रहे तू? कितना बड़ा बच्चा हो ना? हाँ बच्चा, बच्चे के बाल काले होने चाहिए, 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तिल चाहिए तिल, आंखें बड़ी बड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी। हाँ? अच्छा मोटा ताजा चाहिए। हाँ? नाक खड़ी चाहिए, आवाज अच्छी चाहिए। ठहर जाओ फिर, फैक्ट्री में ऑर्डर दे देता मैं और फिर मैं बना के लाता। अरे ऐसा कहाँ से लाना मैंने? हाँ, कैसा भी लाओ मगर लाओ। एक बात सुन रहे क्या बाबा मेरी? बोलो। मैं ऐसा कह रहा था कि तुम्हारे बच्चे लेके आते ना एक हाथ। नहीं वो एक रंगी है। अरे तो दूसरों के बच्चे क्या 15 रंग के रहते क्या हो? तो काम करता मैं, मेरे नवासे कोई बुला लेता ना मैं। जुल्लिया, ओ जुल्लिया इधर आ रे बेटा, जुल्लिया ओ बेटा जुल्लिया, क्या बोल रहे नाना? इधर आ बेटा बैठ।
देखो ये है मेरा नवासा, इसको लगाओ तुम कजली और फिर बताओ का है चोर। बात का काम तो मेरा है ये फिर। देखो बच्चा, जैसा हम बोलेंगे वैसा बोलने का। देखो बच्चा, इसी में देखते रहना और जैसा हम कहेंगे वैसा ही बोलना। बोलो मैदान आ जा, मैदान आ जा। अरे तो क्या मैदान लागे क्या खेती बाड़ी करेंगे? बोल बेटा मैदान आ जा। आ गया आ गया। अब बोलो लेट आ जा, लेट आ जा। अरे तो कजली लगाए तो चोर को बुलाओ, उसमें क्या इलेक्ट्रिक की दुकान खोल रहे क्या? ना मुझे बोला जी। अरे रे रे रे, ये पूरा सारा काम बिगाड़ देगा। देख बेटा, ये नाना जैसा बोल रहे ना वहां वैसा कर मेरा बच्चा। बोलो बच्चा लेट आ जा। हाँ आ गया आ गया आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलो एक और लाइट आ जा, एक और लाइट आ जा। अरे चोर का पता बता दो, तुमको तीन चार लाइट दिला दूंगा मैं। लाइट आया, इस पर कजली नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मैंने जैसा बच्चा कहा था वैसा बच्चा लाओ। एक काम करो ना बाबा, तुम्हारे होंगे ना रिश्तेदार नानी फुप्पू का कोई बेटा, उसको लगाओ कजली और कभी मालूम पड़ जाए ना तो मुझे कार्ड लिख देना तुमने। हाँ नहीं आ रहा सीधा कहो ना ऐसा, जाओ और मेरी जान छोड़ो तुम। जहां तक मैं समझता हूं इस घर में चोरी नहीं हुई है, ये तुम सारा माल दबाकर चोरी का नाटक कर रहे हो। ऐसा शाबाश, माल दबा के बैठा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गल्ला दबा दूं और तुम्हारा नाम बता दूं पुलिसों को, चल जाओ यहां से। आ जा रहे हो कावरे, तेको तो बड़ी भूख लग रही थी ना रे, पिक्चर देख रहे के नाखून में, जा हो घर को जा खेल भर। जा रहे क्या तुम भी? आपका मामला नहीं जमता तो आप पुलिस में जाओ। साला बद्दीमान, हिट मैं साला जाता ना पुलिस स्टेशन में, केस करूंगा नीचो पे। अरे समझ लो बेटा, कोरट को काटे नहीं लगे ले। कौन है तू? इधर आ इधर। शाबाश। अरे मैं मालिक है, मैं आया था ना रिपोर्ट लिखाने। हाँ मालिक है तू? मालिक का भेष बदल कर आया और घर के बर्तन भी लेके जाएगा तू? अरे चोर ढूंढ अनजान दो मेरे को। अरे घर में जान दो। ए, अब तो तू जेल में जाएगा, जेल में। अरे ये आंखें देखने के है क्या खाली? अरे मैं ये घर का मालिक है। ऐसा क्या, ये घर भी तेरा हो गया? मेरा शक और पक्का हो गया। बहुत थकाया रे तूने, बहुत थकाया। अरे तुम्हारे सबको डालो चूल्हे में, मेरे को घर में जान दो। नहीं, मैं पहले तेरी औरत से पूछूंगा फिर यकीन करूंगा। जाओ पूछ के आओ, बैठो मैं यहाँ। जाना मत, यही खड़े रहना, पाव की मट्टी भी नहीं छोड़ना। अजीब बद्दीमाग हवलदार दिखने में आया, किने बना दिया क्या मालूम, मुझे तो ऐसे रख लिया कि वीरप्पन को उसने ही पकड़ा। गलती हो गई, कोई बात नहीं, उठो चीचा उठो, मेरे को बैठने का था ना, उठो उठो।
अरे वाह रे वाह, ऐसी कैसी गलती हो गई। अच्छा वो मेरी औरत जिंदी थी, बच गया मैं। अगर वो नहीं रहती तो लगा दिया था ना तूने मेरा रूम। चलो शादी के बाद एक फायदा तो हुआ। अरे दादा तुम चोर पकड़ो ना। हाँ चोर कब पकड़ेंगे तुम? क्या चोर मुर्गी का बच्चा है? जब जी में चाह भचक से पकड़ लिया, उसके वास्ते तो दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे तो चलाओ दिमाग, नहीं चल रहा हूँ ना तो हवा भरो उसमें। दिमाग है क्या साइकिल का टायर है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं अकेला चोर नहीं पकड़ता, वो मेरे इंस्पेक्टर मेरे साथ रहते हैं। हम दोनों मिलकर सोचते हैं, फिर चोर पकड़ते हैं। अभी थोड़ी देर रुको, वो आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ चीचा, हाँ? वो कितने थे और कौन थे, कलर के कपड़े पहने थे? पहले चोर आए, मेरे को नींद में से उठाए, एक गिलास पानी दिए और फिर चोरी करे उन्होंने। क्या बात करेंगे तुम? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कौन कौन था उनमें? तीन मेरे मामू थे, दो मेरे खालू थे। अरे यही मालूम रहता तो अभी तक लाशा नहीं बीत जाते क्या? बात बता रहे तुम भी खुशहाल। जब चोरी हुई तो तुम सब सो रहे थे क्या, जाग रहे थे क्या, और कुछ कर रहे थे? नहीं, मेरा पूरा ढोल बजा रहा था और हम मरे जोरू नाच रहे थे। अरे सोए थे जबी तो सले आए और खेल करके चले गए। ऐसी मजे की भरबूस नींद लगी थी, क्या पूछने की बात नहीं। तो इतना ही बेखबर सोना क्या? हवा चल रही तो हवा का क्या, तुम तो रोड पर आ गए ना। एक बात बताऊं मेकू साहब, तुम क्या एक आंखी खुली और एक बंद करके सोते क्या हो? अरे बॉस बंद करो तुम्हारे खट्टे घराने, क्या पटर पटर बाता कर रहे हो तुम? अरे चोर को पकड़ो। साला मेरा गला सूखा, पानी पी के आता मैं। ठहरो, तुम गलास को भी हाथ नहीं लगा सकते, उसपे चोर के उंगलियों के निशान होंगे। कमाल कर रहे तुम तो, बर्तनों को हाथ मत लगाओ, कल को तुम बोलेंगे औरत को हाथ मत लगा। कमाल की बात कर रहे हो तुम तो। वाह रे वाह, एक तो साला चोर ने आधे बर्तन लेकर चले गया और तुम अलग मेरा दिमाग खराब कर रहे। ध्यान से बात करो, तुम्हारी बात पकड़ में आ रही। तुम ये बोले कि चोर लेकर गया, इसका मतलब कि तुम चोर को जानते हो। अरे ओ दादा मत पकड़ो चोर भाई, मत पकड़ो। अरे तुम तो ऐसे बातें कर रहे, मुझे ही फंसा रहे तुम तो। अरे जल्दी करो, चोर को पकड़ो। वो आ गए हमारे साहब, लो बात करो। नमस्ते साहब। अरे साहब ये क्या बाचले हवलदार भेज दिए तुमने, जब से आया खाली पटर पटर बातें कर रहा। अरे मेरे वहां चोरी हो गई, जरा मेरे वहां के चोर को पकड़ो, मैं कितना परेशान है, निस्ते बातें कर रहे हैं। हाँ तो मैं करूंगा, गांव के जितने भी चोर है सबको पकड़ के इतना मारूंगा क्या वो सही बता देंगे। मैं अभी जा रहा हूँ, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, घर पे मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो मैं अपना हवलदार यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपकी हिफाजत करेगा और आप इसके पेट की हिफाजत करो। क्यों इनका पेट क्या भाग भाग जाता क्या हो? नहीं ये बहुत खाते पीते घर का है, इसका ख्याल करना। मैं जाता हूँ। धन्यवाद साहब। देखे क्या मेरे साहब का, हाँ कुछ करते क्या? लो है आ गई मुसीबत, इसको भी पालना पड़ेगा। अरे पॉलिटिशियन भाड़े से दे दो, हम काम धंधे करो तुम। एक बात बताओ क्या, तो मैं तो पगार लेता ही नहीं। क्यों मट्टी भागता क्या तू? आज की तारीख में मेरे खीसे में 50,000 रुपए, 50,000। क्या चगेल बात करेगा तू? अरे तुमने DIG की पैंट पहन के आ गए ले, जाओ बदल के आओ। पैसों के साथ साथ तुम्हारी अक्कल भी चले गई। अरे कहाँ चले तुम? अरे सुनो तो सही तुम, अरे कुछ कहते? अरे मुंह फोड़ के कहो तो सही, कहाँ जा रहे तुम? चीचा सुबह से इंक्वायरी करते करते 5 बज गए। अरे पेट में चूहे कूद रहे, भूख लगी मेरे को भूख। पेट में चूहे कूद रहे? अरे तो बिल्ली निकाल लो। अरे वाह तुम तो खुशहाल, जूते पहन ली और गुजरे कहीं भी, देखता ना भगोने मेरे। रुको रात पेट का कुछ होगा बचेला तो। अरे नहीं तुम सामान को हाथ मत लगाओ, भगोने को गलास को, साहब ने मना करके गए, चोरों के उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। तुम इधर ही खड़े रहो चीचे, इधर ही खड़े रहो, देखता ना मैं।
इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ रे बाप, थोड़े बहुत बर्तन तो रन दिए ना, तो ये भी लेके चले जाते। एक बात बताओ मेकू, अभी तुमने भगोना खोले हाँ, तुम्हारे हाथ के निशान नहीं आएंगे क्या? हाँ, पब्लिक के ये मत हाथ लगाओ, इसको मत हाथ लगाओ, उसको मत हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ के लोखंड के क्या? चीचा, हम पुलिस वाले हैं, हम कहीं भी घुस जाते, कहीं भी हाथ लगा देते। वो सब तुम छोड़ो, मेरे को भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। कहाँ से लाना मैंने खाना? होटला में से लाओ, होटला का काल नहीं पड़ा। अरे होटला का काल नहीं पड़ा, मगर पैसों का काल पड़गा ना, कहाँ है पैसे? देखता मैं कुछ होगा तो बंदोबस्त। ओ चीचा, जरा परेश का खाना लाना, अच्छा खाता है। क्या क्या खाते तुम, कह दो। चिकन ले लेना, नहीं मिले तो बिरयानी भी चल जाएगी। हलवा भी चल जाता होगा। हाँ हाँ, बादाम का हलवा भी चल जाता होगा। हाँ, एक बात बताओ साहब। हाँ। मैंने एक से एक बेशरम देखा, तुम मगर सबसे निराले निकले हैं। हाँ, ओ चीचा, आराम है लेके। ओ, 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 साहब, लो, दड़चो। इतना टाइम लगा दिया तुमने? अरे भूख से मेरा हाल बुरा हो गया था। क्यों, दम तो नहीं निकला ना तुम्हारा? नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा एक डजन केले रखे थे, वो खाया तो थोड़ा आराम हो गया। अब ये खा लूंगा तो पूरा आराम हो जाएगा। वो भी खा लिए? पेट है क्या, कोट है तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अन क्या हो, खाते टाइम तुमको समझ में नहीं आया कि केलों पे चोर के उंगलियों के निशान रहेंगे? चीचा, मैं हौलदार है, इतना पागल नहीं है मैं। केले का गूदा खाया मैंने, केले के छिलके नहीं खाया। शाबाश, मतलब कि चीजों पे चोरों के उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे तुमको, है ना? अरे चोरों से ज्यादा तो तुमने भन्नाट ना लगाया मेरे को। दादा एक बात बताओ, बर्तन तो है ना मेरे सही सलामत, कि वो भी केलों के घर बेच के खा लिए तुमने? अरे हाँ चीचा, वो तुम्हारे जो बर्तन है ना, वो तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। ओ मां लेना, वो बर्तन वहां लेके चल गए, यहाँ भी कर सकते थे ना तुम्हारी छानबीन। औरत है के नहीं घर में मेरे? एक बात बताओ, उतार दूं के मैं ये कपड़े, ये भी लेके चल जाओ। हमारे साहब इतने फालतू नहीं है, उनके पास सैकड़ों कैसे थे, सैकड़ों सामान वापस मिलेंगे ना मेरा? हाँ फिर ये सामान भी तुम्हारा मिल जाएगा और चोरी वाला सामान भी मिल जाएगा, बस चोर को मिल जान दो चीचा, चोर को। तो कब तक मिल जाएगा ये सामान मेरा? बस तहकीकात चालू है, धीरे धीरे करके सब मिल जाएगा। धीरे धीरे मिलेगा है ना, एक महीने बाद गिलास मिलेगा, दूसरे महीने में जग मिलेगा, तीसरे महीने में भगोना मिलेगा, चौथे महीने में परात मिलेंगी, है ना? और जब कई साल भर बाद मेरे पैसे पूरे बर्तन मिलेंगे। एक बात बताओ, जब तक तुम्हारा जीवी कैसा उचाट हो जाएगा, है ना, एक काम करो तुम, तुम्हारे औरत बच्चों को लेके आ जाओ ना यहाँ पे रहने के वास्ते। वाह कितने समझदार है तुम, मैं भी यही सोच रहा था, तो मैं भी परिवार लेके आओ, मेरे भी औरत बच्चे लेकर आ जाओ। अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ता मैं तुम्हारे। अरे अगर तुमने ऐसी चोर पकड़े ना, तो ये घर मेरे को बेचना पड़ेगा, बेचना, मालूम? अरे बाप रे बाप, अरे अल्लाह करे दुश्मन के वहां भी चोरी नहीं होने होना, और अगर चोरी हुई तो तहकीकात नहीं होने होना। रे बाप, मेरा चोरों के नाम यही एक पैगाम है कि कुत्ते के मुछड़ों को अल्लाह मियां ने ऐसे डांड के हाथ दिया तो सही इस्तेमाल करो, अरे मेहनत मजूरी करो। हाँ, तुमको क्या मालूम जिसके वहां पे चोरी होती उसका क्या हल होता? रे बाप।